Hey guys, how are you all? Welcome back to my channel, Grace and Glory. This is Ruchika. So guys, आज की वीडियो मैं शेयर करने वाली हूँ रोज़ पैटर्न साइज़ क्यूब घर पे कैसे बना सकते हैं एंड हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं. What are the benefits of using rose petal size cube? No guys, जहाँ तक बात है आइस क्यूब्स की, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी भी वीडियो कर चुकी हूँ. स्किन के लिए डिफरेंट चीज़ों के आइस क्यूब बनाना मैंने उसमें बताए थे आपको. जैसे हमने यूज़ किया था पपाया आइस क्यूब, वाटरमेलन आइस क्यूब, कुकम्बर आइस क्यूब, किस तरह से बनाना है, कैसे स्किन पे यूज़ करना है, ये डिटेल में मैं बता चुकी हूँ एक वीडियो में. उसका मैं आपको लिंक दे दूँगी, उस वीडियो को भी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इसके साथ साथ रोज़ फेशियल पे भी एक वीडियो मैंने किया है ऑलरेडी, तो उसका भी मैं आपको लिंक दे दूँगी. इन दोनों वीडियो को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. बट हाँ, आज हम बात करेंगे रोज़ पेटल्स आइस क्यूब्स की. ना गाइस, बनाना तो बहुत ईजी है, आगे मैं आपको बता दूँगी, लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है. एक तो एज अ टोनर भी ये काम करता है, आपकी स्किन को टोनअप भी करता है. इसके साथ साथ आपकी स्किन के कलर को काफ़ी एनहेंस भी करता है रोज़ पेटल साइज क्यूब. आपका यू नो आपकी स्किन भी अच्छे से एक ब्राइटनेस लाएगा, ग्लो लाएगा, यू नो आपकी स्किन को डार्क नहीं होने देगा, टैनिंग को रिमूव करेगा एंड सो ऑन. सो गाइज, ये जो आइस क्यूब है रोज़ पेटल्स आइस क्यूब, ये करता क्या है, जब भी आप इस आइस क्यूब को अपने फेस पे रब करोगे, उससे क्या है, जो आपके फेशियल मसल्स होते हैं ना, उनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है आपके फेशियल मसल्स में, जिससे क्या है आपकी स्किन पे ग्लो आना शुरू हो जाता है. एंड ऑब्वियसली यही तो, जैसे हम मसाज भी करते हैं, तो मसाज के पीछे भी हमेशा यही लॉजिक होता है कि जब आप यू नो मसाज करोगे तो यू नो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जितने अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा उतना ग्लो स्किन पे आएगा. सेम काम करता है ये आइस क्यूब में भी, रोज़ पेटल आइस क्यूब में भी, या कोई भी आइस क्यूब हो, तो जब भी आप उसे इस तरह से रब करते हैं अपनी स्किन पे ना, एक तो बहुत ठंडा होता है, आइस होता है, तो आपकी यू नो ब्लड सर्कुलेशन, फेशियल मसल्स का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है. सो यस गाइस, ये इसका बेनिफिट था और बहुत अच्छे से काम करता है, अमेजिंगली रिजल्ट्स आपको इसके मिलते हैं. तो अभी जल्दी से देख लेते हैं बनाना कैसे है, यूज़ कैसे करना है, और उसके बाद आपसे मिलती हूँ. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइस, ये है रोज़, एक गुलाब का फूल मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ. आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितने आपको आइस क्यूब बनाने हैं आप उसी हिसाब से ले सकते हैं. तो अभी ये मेरे पास एक ही है, तो मैं इसी से आपको बना के दिखाऊंगी रोज़ आइस क्यूब. सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले आप इस तरह से इस रोज़ की जो पेटल्स हैं उसको निकाल के आपको इन्हें आपको मैश करना है, ग्राइंड करना, आप कुछ भी कह सकते हैं. तो मैं इस ग्राइंडर में इसे डाल दूंगी. सो इस तरह से, और इसमें आपको थोड़ा सा पानी डालना है, बस इतना सा पानी ऐड करना है. और मैं अभी इसे ग्राइंड कर लेती हूँ. ये देखिए गाइस, ये मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है. और अब हम इसे आइस क्यूब ट्रे में स्टोर कर लेंगे. वेल गाइस, आइस क्यूब ट्रेस तो मेरी बिजी हैं, लेकिन हम इस तरह के छोटे ग्लासेस में इसे स्टोर कर लेंगे. आप कटोरी में रख सकते हैं, बाउल में रख सकते हैं, सब टू यू. ऐसा कुछ नहीं कि आपको आइस क्यूब ट्रे में ही इसे जमाना है. तो अभी मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगी. सो गाइस, ये देखिए मैंने इन्हें स्टोर कर लिया है. अब मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी फ्रीज होने के लिए. आई थिंक 6 to 7 hours लग जाएंगे इसे अच्छे से आइस क्यूब की फॉर्म में आने में, एंड देन हम इसे यूज़ करेंगे एंड आई विल शेयर विद यू. तो अभी मैंने फेस वॉश कर लिया है, मेकअप सारा रिमूव कर दिया, बिकॉज हमें ट्राई करना है ये आइस क्यूब जो कि बिल्कुल बन चुका है. और एक ग्लास मैंने निकाल लिया है आइस क्यूब का, तो मैं पहले से निकाल लेती हूँ. बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है गाइस, लाइक रोज पेटल्स हैं ये, तो फ्रेग्रेंस तो अच्छी होगी ही. ऐसे अप्लाई करिए इसे अच्छे से. नो गाइस, इसको भी आप अप्लाई करके जस्ट सो सकते हैं. ऐसा नहीं कि इसको अप्लाई करके रख के मुंह धोना, ऐसा कुछ नहीं है. जस्ट इसे आप अप्लाई करें एंड देन रात को अप्लाई कर सकते हैं, सुबह भी अप्लाई कर सकते हैं, जब भी आप चाहो. ये जो आपके रोज पैटल्स बचते हैं ना, हल्का से इसे ऐसे रब कर लें स्किन पे. एंड आप डेली ट्राई करें इसे, दिस इज रियली अमेजिंग गाइस. सबसे पहले तो आपकी स्किन पे इतना सूदिंग वाला इफेक्ट मिलेगा ना. जरूर यूज करिएगा, बहुत अच्छा स्किन केयर.